परिवारों के मेंबर चले गए, पहले उनके पास ठीक तरीके से पहुंचे। जो व्यक्ति आज घायल हुए हैं उन घायलों का इलाज हो, सबसे पहले वो फोकस रहना चाहिए। मैं यही कहूंगा कि अभी सबसे पहला फोकस रखें रेस्क्यू पे और रिलीफ पे। तुरंत रेस्टोरेशन का काम तुरंत चालू होगा। जैसे ही कंप्लीट डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से क्लियरेंस मिलता है, तुरंत रेस्टोरेशन का काम चालू होगा। ऑलरेडी जितनी भी रेस्टोरेशन के लिए मशीनें हैं वो डिप्लॉय करके सोरों में खड़ी है। अभी ऑलरेडी मैं रास्ते में देख के आया हूँ। क्या पहले डीरेलमेंट हुई उसके बाद चक्कर हुआ? क्या पहले इंक्वायरी के बाद में ही सब कुछ पता चलेगा। किसी का नेग्लिजेंस मिला है सर? किसी का नेग्लिजेंस अभी नहीं कहा जा सकता, इंक्वायरी के बाद में ही पता चलेगा। डेथ टोल के बारे में जरा जानकारी दे दीजिए। डेथ टोल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कंटिन्यूअसली आपको अपडेट किया जा रहा है, उसी नंबर को आप लेके चले। अभी कुछ भी कहना उचित नहीं है, इंक्वायरी होने दीजिए और सारा फोकस रेस्क्यू और जो घायल हुए हैं उनके इलाज पे फोकस करें। सर अभी कितने लोग फंसे हो सकते हैं, जानकारी आपको हाल अधिकारियों ने क्या दी? सब सारा का सारा फोकस मैंने कहा जैसे आपसे रेस्क्यू और इलाज पे ध्यान दिया जाए, रेस्टोरेशन पे ध्यान दिया जाए।